हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर, आप लोग भी साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए। दो दिन वीडियो आप लोगों को नहीं दे पाया किसी कारणवश साथियों, जिसमें कि कुछ तबीयत भी हमारा ख़राब था और हम कहीं चले भी गए थे, तो इसलिए बहुत बहुत आपसे खेद है जो आपके बीच हम नहीं रह पाए और आपको वीडियो नहीं दे पाए। लेकिन फिर भी आप लोगों की पूरी तैयारी कराएंगे साथियों, तो पूरी तैयारी कराने का पता आपसे करते हैं। तो आज का जो प्रश्न है इसमें 50 क्वेश्चन है साथियों, जो 2022 के दृष्टि से टीजीटी पीजीटी के आर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और तो प्यारा सा सब्सक्राइब करेंगे जो भाई बहन अभी नहीं किए हैं, और हो सके तो दोस्तों के पास अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। इस चैनल को आपको आगे बढ़ाना है, आपके ही माध्यम से चैनल आगे बढ़ेगा। ये चैनल आपका है साथियों, तो आपकी जैसे इच्छा हो वैसे ही आप इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो हार्दिक शुभकामना है कि आप इसे, अब आप लोगों से आशा भी है, उम्मीद है कि इसे आप बढ़ाएंगे आगे। तो चलते हैं, सबसे पहले प्रश्न का आगाज है आपके पास, हो गया स्क्रीन पे। दुर्गा मंदिर ऐहोल के लिए कौन सा सत्य नहीं है ना? कारक दुर्गा मंदिर ऐहोल के लिए इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो कौन सा एक देखिए सत्य नहीं है। मेहराबदार योजना, मुख्य रूप से द्रविड़ नगर कला के साथ, मुख्य देवी दुर्गा माँ, चालुक्य युग संबंधित, चालुक्य युग से संबंधित, कौन सा इसमें से एक सत्य नहीं है? तो इसमें से क्या सत्य नहीं साथियों, तो एक से एक का क्या हो जाएगा यहाँ पे, गा मुख्य देवी दुर्गा माँ, यही आपका इसमें से सत्य नहीं है। दूसरे प्रश्न बढ़ते हैं। गार्डियन फिगर्स क्या कर रहा है? गार्डियन फिगर्स मूर्ति ज़्यादातर मंदिरों के बाहर दिखाई देता है, उसे कहते हैं ना? जो गार्डियन फिंगर्स हैं साथियों, ज़्यादातर मूर्ति जो हैं बाहर दिखाई देते हैं, तो इन बाहर दिखाई वाले को क्या कहते हैं? किराट कहते हैं, बोधसत्व कहते हैं, द्वारपाल कहते हैं, यक्षी कहते हैं, तो क्या कहते हैं इन्हें? बाहर दिखाई देने वाले को क्या कहते हैं मूर्तियों को जो बाहर निकले होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें द्वारपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वारपाल, जो द्वार बाहर दिखते हैं। महाबलीपुरम में गंगा पैनल के अवरोही स्रोत में होता है, महाबलीपुरम के गंगा पैनल में अवरोही स्रोत में क्या होता है? शिव का न्याय होता है, राम का समुद्र पार होता है, अर्जुन की तपस्या होता है, या रथ के ऊपर कृष्ण होता है? तो 50 क्वेश्चन हैं, तो 50 क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है साथियों, तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। जो प्रश्न आपको क्वेश्चन कराते हैं तो आप भी कमेंट करके बताएं कि इसमें से आपका कौन सा सही हो रहा है, तो हमसे पहले आप कमेंट कर दीजिए घिस करके। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों ना, 3 नंबर महाबलीपुरम में गंगा पैनल के अवरोही स्रोत में क्या होता है? तो यहाँ पे जो होता है साथियों वो है आपका अर्जुन की तपस्या। क्या दिखाई देता है? तो अर्जुन की तपस्या हो यहाँ। दीदारगंज यक्षी मूर्ति बनी है, दीदारगंज में जो यक्षी मूर्ति बनी है किस चीज़ से बनी है? चमकदार सोपा स्टोन से, चमकदार ग्रेनाइट से, चमकदार बलुआ पत्थर से, या चमकदार संगमरमर से? दीदारगंज यक्षी मूर्ति 104 का देखिए, तो 104 के यहाँ पे क्या हो जाएगा? 104 का राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? तो आपका चमकदार बलुआ पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चमकदार बलुआ पत्थर। अगला है, निम्न में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? इनमें से एक कौन सी इमारत है जो फतेहपुर सीकरी में कह रहा है को स्थित नहीं है? कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। मोती मस्जिद है, पंचमहल है, सलीम चिश्ती का मकबरा है, या मरियम हाउस का महल है? तो कौन सा एक इमारत है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं साथ, यहाँ पे देखा जाए तो मोती मस्जिद, जो मोती मस्जिद है फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसमें से कौन सा एक गलत है? गलत ढूंढना है। अंकुरवाट कंबोडिया में है, प्रवानाम इंडोनेशिया में, स्वयंभूनाथ श्रीलंका में, या स्वेदांगन म्यांमार में? 106 का देखिए तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? स्वयंभूनाथ श्रीलंका में ये नहीं है, तो यही यहाँ पर का गलत हो जाएगा। अगला है, पूर्व बुद्ध कला क्या कर रहा है? पूर्व बुद्ध कला के प्रकार निम्न में से कौन नहीं है? मथुरा है, सारनाथ है, गांधार है, या अहिछिन्न है?
प्रश्न है, पूर्व बुद्ध कला के प्रकार इनमें से नहीं है, तो ध्यान से पढ़ना है नहीं है, तो कौन सा रहेगा इसमें से, अच्छिन्न नहीं, मथुरा गांधार सारनाथ है लेकिन ये अच्छिन्न नहीं है। भारतीय कला में छत प्रकार के लिए प्रयुक्त होता है, भारतीय कला में छत प्रकार के लिए, छत प्रकार के लिए क्या प्रयुक्त होता है, नाभिचंद, सोपान, वेदिका या हार्मिका ना, तो क्या हो जाएगा साथ ही यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नाभिचंद होगा यही आपका राइट आंसर बनेगा ना। भारतीय कला में छत प्रकार के लिए जो प्रयुक्त होता है तो नाभिचंद होता है, क्या होता है, नाभिचंद। गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर की दीवारों पर निम्न में से कौन सा मूर्त शिल्प मौजूद नहीं है, शेषमणि, विष्णु, नारायण, महिषासुरमर्दिनी, गजेंद्र मोक्ष। गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर की दीवार पर पूछा है इनमें से कौन सा एक मूर्त शिल्प मौजूद नहीं है, तो इसमें से क्या नहीं है साथियों, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो महिषासुरमर्दिनी, महिषासुरमर्दिनी का चित्र यहाँ पे नहीं है। भारतीय कला में मेधी क्या कर रहा है, भारतीय कला में मेधी शब्द का निम्नलिखित में से किस विधा डिसिप्लिन से संबंधित है, मेधी शब्द किस डिसिप्लिन से उसका संबंध, चित्रकला, मूर्तकला, वास्तुकला, उपयुक्त में से कोई नहीं। 110 देखिए तो किससे संबंध है इसका, तो वास्तुकला से संबंध है। अगला है, तंजावर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का फिनियल निम्नलिखित में से किस रूप में निरूपित करता है, तंजावर के बृहदेश्वर मंदिर का जो फिनियल है साथियों वो किस रूप में निरूपित करता है, ध्वज, त्रिशूल, कलश या स्तूप के रूप में, तो किसके रूप में होता है, कलश के रूप में। कंकट बोट निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थान का प्राचीन नाम था, कंकट बोट ने कह रहा कि कंगद बोर्ड जो है निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थान का नाम है, वो भी प्राचीन नाम है, सारनाथ को कहा जाता था, सांची को कहा जाता था, राजगृह को कहा जाता था या कपिलवस्तु का, तो किसका कंगद बोर्ड नाम है या किसे कंगद बोर्ड के नाम से जाना जाता था, तो किसे जाना जाता था साथियों, तो सांची को ही कंकट बोर्ड के नाम से जाना जाता था। बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि स्पर्श दर्शाया गया है, बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि स्पर्श दर्शाया गया है, अच्छुभय द्वारा, अमिताभ द्वारा, रत्न संभव या अमोघ सिद्ध के द्वारा, बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में पूछ रहा है भूमि स्पर्श दर्शाया गया है तो किसके द्वारा, अच्छुभय के द्वारा। अगला है, बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि स्पर्श, तो रिपीट क्वेश्चन है, अच्छुभय हो ही होगा। अगला है, चीन के हान वंश की टेराकोटा आर्मी सदियों से जमीन में दबी रही, क्यों दबी रही, तो उसका कारण पूछ रहा है कि क्यों दबी रही, क्या कारण था, चीन के हान वंश की जो टेराकोटा आर्मी थी ना, आर्मी सदियों से जमीन में क्यों दबी, इन मूर्तियों को अंकृताओं से छिपा कर रखने का प्रयोजन था, वे अंतिम संस्कार का एक हिस्सा थे और उन्हें दफनाया जाना अभीष्ट था, वे रेतीली आदियों से दुर्भाग्यवश दब गए थे, वे परवर्ती राजाओं द्वारा बनाए गए थे, तो क्या कारण था साथियों, तो वे अंतिम संस्कार के एक हिस्सा थे और उन्हें दफनाया जाना अभीष्ट था। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में क्या करा है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में बोधसत्व अवलोकतेश्वर की मूर्ति किससे बनी है, गुलाबी बलुई पत्थर, कांसा, शिष्ट या ग्रेनाइट, तो 115 देखिए तो 115 यहाँ पे जो होगा गुलाबी बलुई पत्थर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन का है, पंचायतन प्रकार का है, कौन सा मंदिर पंचायतन प्रकार, कंदरीय महादेव मंदिर है, कुड़ार का सूर्य मंदिर है, महाबलीम का तटीय मंदिर है या दशावतार मंदिर देवगढ़ का, तो पंचायतन प्रकार का मंदिर इसमें से कौन है, तो कौन सा हो जाएगा, दशावतार मंदिर देवगढ़ का। अगला है, किस काल के दौरान, कारा के किस काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतवाद के साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपित करती है, तो मौर्य के साथ, शुंग के साथ, कुषाण के साथ या गुप्त के साथ, तो किसके साथ होता है इसका, तो ये गुप्त के साथ होता है ना, भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ जो प्रकृतवाद के साथ होता है तो गुप्त में ही होता है। निम्नलिखित में से किस मस्जिद की वास्तुकला कार्डोबा स्पेन की कैथेड्रल मस्जिद के समान है, इनमें से पूछ रहा है कौन, किस मस्जिद की जो वास्तुकला है, किस मस्जिद की वास्तुकला है जो कार्डोबा स्पेन की कैथेड्रल मस्जिद के समान है, जामा मस्जिद गुलबर्गा,
जामा मस्जिद बीदर, जामी मस्जिद दौलताबाद, जामिद मस्जिद अहमदाबाद। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों, तो यहाँ पे जो होगा जामा मस्जिद गुलबर्रा हो जाएगा, पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहा जाता है? स्तंभ के ऊपरी भाग को, द्वार के ऊपरी भाग को, छतरी के ऊपरी भाग को, या अंड हेमिस्फीयर के ऊपरी भाग को? तो किसे कहा जाता है साथियों, तो अंड के हेमिस्फीयर के ऊपर के भाग को ही कहा जाता है हर्मिका। फ्रियान बलाल द्वारा क्या करा है? फ्रियान बलाल द्वारा समर्पित मथुरा का बोधसत्व प्रसिद्ध कुषाण मूर्त किस संग्रहालय में है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, राज संग्रहालय मथुरा में है, पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में है, या ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है? फ्रियान बलाल द्वारा समर्पित मथुरा का बोधसत्व प्रसिद्ध कुषाण मूर्त किस संग्रहालय में है? तो कौन सा संग्रहालय हो जाएगा? तो ये जो संग्रहालय होगा आपका पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ होगा। तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? तेली का मंदिर साथियों कहाँ स्थित है? तेली का मंदिर ग्वालियर, ओरछा, जयपुर, भोपाल। तेली का मंदिर कहाँ जाएगा? ग्वालियर में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वस्तुकला का उल्लेख किया गया है? अष्टाध्यायी में, शिल्पतारु में, विश्वकर्मी शिल्प में, या सदन माला में? तो 122 का देखिए, 122 में आपका क्या राइट आंसर बनेगा साथियों, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा विश्वकर्मी शिल्प में, कहाँ हो जाएगा? विश्वकर्मी शिल्प में। इंडो इस्लामिक स्मारक अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? इंडो इस्लामिक अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में, औरंगाबाद में, हैदराबाद में, या दिल्ली में? तो अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा कहाँ है साथियों आपका? नहीं, तो अलाई दरवाज़ा आपका कहाँ पड़ेगा? दिल्ली में। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई? जोधपुर बलुआ पत्थर है, चुनार बलुआ पत्थर, कश्मीर चूना पत्थर, या मद्रास से ग्रेनाइट पत्थर? तो सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है वो किस पत्थर से बनाई गई है? कौन सी पत्थर हो जाएगी? चुनार बलुआ पत्थर से। अंबाजी संगमरमर क्या करा है? अंबाजी संगमरमर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मंदिर के लिए किया गया है? नहीं, कौन सा संगमरमर? अंबाजी संगमरमर, एलोरा के लिए, दिलवाड़ा के लिए, खजुराहो के लिए, या कुड़ार के लिए? अंबाजी संगमरमर का प्रयोग किस में किया गया है? तो किस में किया गया साथियों? तो दिलवाड़ा मंदिर के लिए किया गया है। खजुराहो में कंदरीय महादेव मंदिर के संबंध में कौन सी विशेषता निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त नहीं है? किसकी बात करें? खजुराहो कंदरीय मंदिर के लिए। खजुराहो में ही कंदरीय महादेव मंदिर है, उसी के संबंध में कौन सी एक विशेषता है जो विकल्प में से उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है देखिए, डबल लैटिन क्रॉस, ऊंचा चबूतरा, शानदार प्रकार, लैटिन शिखर। तो क्या नहीं है इसमें साथियों? तो इसमें जो नहीं है वो है आपका लैटिन शिखर नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। मथुरा शैली में निर्मित सम्राट कनिष्क की मूर्ति कहाँ सुरक्षित थी? कह रहा है कि मथुरा शैली में निर्मित सम्राट कनिष्क की मूर्ति कहाँ से सुरक्षित है? मथुरा के अजायब घर से, वाराणसी के सारनाथ संग्रहालय से, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से, या मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से? कहाँ से थी साथियों? ये थी मथुरा के अजायब घर संग्रहालय से। अगला है आपका, अमरावती शैली की मूर्तियों के निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया गया? जो अमरावती शैली की जो मूर्ति बनी है उसके निर्माण में कौन सा पत्थर का प्रयोग किया गया है? पत्थर का प्रयोग, कौन सा पत्थर है जिसका प्रयोग किया है? लाल बलुआ पत्थर, सफ़ेद संगमरमर, स्लेटी पत्थर, या हरा पत्थर? तो अमरावती में कौन सा पत्थर का प्रयोग किया गया साथियों? कौन सा पत्थर प्रयोग किया गया अमरावती में? तो यहाँ पे सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। गुप्त काल में मूर्तकला के प्रमुख केंद्र थे?
गुप्त काल में मूर्त कला के प्रमुख केंद्र क्या थे? मथुरा गंधार पाटलिपुत्र थे, गया मथुरा वाराणसी था, मथुरा सारनाथ पाटलिपुत्र या कौसाम्बी मथुरा सारनाथ। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मथुरा बनेगा यहाँ पे, सारनाथ और पाटलिपुत्र थे। बिहार के सुल्तानगंज जिले में तांबे की, बिहार में सुल्तानगंज कहाँ पड़ेगा? बिहार में, बिहार के सुल्तानगंज में, बिहार में सुल्तानगंज जिला है। तांबे की 2.25 मीटर ऊंची खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा ने प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो अब कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, बर्मिंघम संग्रहालय इंग्लैंड में है, लुब्रा संग्रहालय पेरिस में है, मेट्रोपोलिटन संग्रहालय अमेरिका में है। तो कहाँ पर है साथियों? बिहार के सुल्तानगंज से मिले। तांबे की 2.25 फीट मूर्ति थी, 2.25 किसकी मूर्ति? बुद्ध की। तो कहाँ से मिली हुई है? तो ये बर्मिंघम संग्रहालय से मिली। कहाँ से मिली है? तो बर्मिंघम संग्रहालय इंग्लैंड से। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है, इसमें से एक सही सुमेल नहीं है, तो कौन है इसका जो सही मेल नहीं है? गांधार शैली लाल बलुआ पत्थर से बना है, मथुरा शैली बुंदकी द्वार लाल पत्थर से, सारनाथ शैली चुनार सफ़ेद पत्थर से, या पाटलिपुत्र शैली सफ़ेद पत्थर व धातु से। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, उसे आपको ढूंढना है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे साथियों? तो यहाँ पे जो होगा, जो गांधार शैली है ये लाल बतुआ पत्थर से नहीं बना हुआ है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है अपनी अपनी जगह। मेहरौली के चंद स्तंभ का संबंध किससे माना जाता है? मेहरौली का जो चंद स्तंभ है कहाँ का है? मेहरौली का, इसका संबंध किससे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, या कुमार गुप्त के द्वारा? मेहरौली का चंद स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। शिव विष्णु और ब्रह्मा के तीन मुख्य मंदिर कहाँ हैं? शिव हो गए, विष्णु हो गए, ब्रह्मा के तीन मुख्य मंदिर कहाँ पे हैं? पामीर के पठार में है, शिवपुरी के पठार में है, डियांग के पठार में है, या इनमें से कहीं पे नहीं है ना। तो शिव विष्णु ब्रह्मा के तीन मुख वाले मंदिर कहाँ मिले हुए हैं? कहाँ मिले हुए साथियों? तो ये डियांग के पठार में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? डियांग के पठार में, ब्रह्मा शिव विष्णु तीन मुख वाले मंदिर। शिव का चांडी बनोन का मंदिर किसके निकट है? शिव का चंडी बनोन ये क्या था? मंदिर था। किसके निकट है पूछ रहा है? बोरोबुदुर के निकट है, बर्मा के निकट है, चंपा के निकट है, या कंबोज के निकट? तो किसके निकट हो जाएगा साथियों? ये किसके निकट होगा? शिव का चंडी बनोन का मंदिर तो बोरोबुदुर के निकट। कहाँ हो जाएगा? बोरोबुदुर के निकट है। बोरोबुदुर के बौद्ध मंदिर का निर्माण किसने कराया? जो बोरोबुदुर है यहाँ पे बौद्ध मंदिर है, पूछ रहा है कि इसका निर्माण जो है किसने कराया था? राजा इंद्र वर्मा ने, शैलेंद्र सम्राटों ने, गुरु सुसोम ने, इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर बनेगा यहाँ पे साथियों? यहाँ पे शैलेंद्र सम्राटों द्वारा बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर बनाया गया था। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का जो मंदिर है कहाँ? कंबोज, चीन, बर्मा या इंडोनेशिया? तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है साथियों? ये पड़ेगा आपका कंबोज में, या कंबोडिया आप कह सकते हैं। अंकोरवाट का मंदिर किस देवता का है? जो अंकोरवाट का मंदिर है ये किस देवता का मंदिर है? शिव का, विष्णु का, ब्रह्मा का, या नाग? तो अंकोरवाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है, या किस देवता का मंदिर है? किस देवता का मंदिर है साथियों? ये तंकुरवाट तो विष्णु का है। किसका है? विष्णु का। बर्मा में विख्यात आनंद मंदिर का निर्माण किसने कराया? बर्मा, बर्मा में कह रहा है कि जो एक आनंद मंदिर है, विख्यात आनंद मंदिर है, तो इसका निर्माण किसने कराया था, किसने बनवाया? अनिरुद्ध ने, त्रिभुवनदित्त ने, नरसिंहपत ने, या अशोकवर्मन ने? तो किसने कराया था साथियों तो इसका निर्माण? तो त्रिभुवनादित्य ने। किसने कराया था? त्रिभुवनादित्य। अंकुरवाट का मंदिर किसने बनवाया? अंकुरवाट का मंदिर किसने बनवाया? इस चारों में देखिए, सूर्यवर्मा प्रथम, जयवर्मा सप्तम, सूर्यवर्मा द्वितीय, इनमें से कोई नहीं।
किसने कराया था साथियों? तो यहाँ सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकुर वाट का जो मंदिर था इसे सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? अंड है, मेध है, छत्र है या अंतराल है? तो कौन से इसमें से एक नहीं है? तो क्या नहीं होगा साथियों? तो यहाँ पे देखा जाए तो अंड भी होता है, मेध भी होता है, छत्र ये बौद्ध कला के भाग हैं, लेकिन अंतराल जो है ये नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विशाल काय जैन प्रतिमा है? इनमें से सबसे विशाल काय जैन प्रतिमा कौन से? श्रवण बेलगोला के गुमतेश्वर की एकास्मक प्रतिमा है, ग्वालियर की पार्श्वनाथ प्रतिमा है, उदयगिरी की गुहा जैन प्रतिमा है या भोजपुर की पार्श्वनाथ प्रतिमा है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से साथियों, तो बहुत ही बढ़िया से आपको इनको हल करना है आपको साथियों। तो क्या इसमें राइट सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा विशाल काय जैन प्रतिमा है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो चारों में देखा जाए तो श्रवण बेलगोला के जो गुप्तेश्वर की एकास्मक प्रतिमा है यही आपका राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? इनमें से कौन सा एक मंदिर है जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? भुवनेश्वर का अनंत वासुदेव मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर या ग्वालियर का तेलिका मंदिर? तो कौन सा है इसमें साथियों? तो कौन सा मंदिर हो जाएगा जो मंदिर शिखर द्रविड़ शैली में बना है? तो यहाँ पे जो ग्वालियर का जो तेलिका मंदिर है, तेलिका मंदिर यही है आपका। निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? इनमें से कौन सा मंदिर है जो ईंटों द्वारा बनाया गया है? खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कश्मीर का मरतांड मंदिर? तो ईंटों द्वारा बनाए हुए एक मंदिर कौन है? तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर देखा जाए साथियों तो सिरपुर क्या है यहाँ पे? सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है यही ईंटों द्वारा बनाया गया है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। अगला है आपका, शैलेंद्रो द्वारा निर्मित स्तूप किस जगह स्थित है? शैलेंद्रो द्वारा निर्मित स्तूप किस जगह है? अनुराधपुर में, बोरेबुदूर में, अंकुर वाट में या अंकरोथाम में? 144 देखिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा आपका? तो शैलेंद्रो द्वारा निर्मित जो स्तूप है किस जगह पे है? तो ये बोरोबुदूर में है। कहाँ पे है? बोरोबुदूर में। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है, इनमें से एक मिलान अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, कौन है? सूर्य मंदिर कांची, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, पद्मनाभस्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम, जगन्नाथ मंदिर पुरी? तो कौन सा एक मंदिर जिसका मिलान यहाँ पे सही नहीं है? तो 145 देखिए तो 145 में यहाँ पे जो आपका सही नहीं होगा वो है आपका सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर कांची में नहीं, कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में ना, तो इसलिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है, मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुम्बदों के पुरोगामी को वास्तुशिल्प के किस शैली के रूप में पहचाना जाता है? मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुम्बदों को पुरोगामी को वास्तुशिल्प के किस शैली के रूप में पहचाना जाता है? बीदर, गुलबर्गा, गोलकुंडा या मांडू? किस रूप में पहचाना जाएगा साथियों? तो इसे अगर देखा जाए तो बीदर के रूप में पहचाना जाएगा। अगला है, निम्न में से किस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खाना बीरबल भवन तानसेन की बरादरी और खान खाना का आवास स्थित है? तो तीन चीजें हैं चार इसमें ना, इबादत खाना है, बीरबल का भवन है, तानसेन की बरादरी है और खान खाना का आवास स्थित है। तो कौन सा स्थान है जहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में है, आगरा में है, दिल्ली में है या लाहौर में है? ना, तो कहाँ सब चीज़ें मिलेंगी साथियों आपको? कहाँ मिलेंगे? तो आपको फतेहपुर सिकरी में ही ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पर सबसे पहले चित्रधूर धूसर मृदभांड ना जिसे PGW का प्रमाण मिलता है? तो कहाँ से मिलता है साथियों चित्रधूसर मृदभांड? अहिछन से, अजितखेड़ा से, हस्तिनापुर से या श्रवस्ती से? तो 148 से देखिए तो यहाँ पे कहाँ मिलेगा साथियों चित्रधूसर मृदभांड? तो ए अहिछन से मिलेंगे, अहिछत्र से ना। आंध्र प्रदेश के गुटूर जिले में, सेकंड लास्ट आंध्र प्रदेश के गुटूर जिले में स्थित अमरावती को निम्न नाम से जाना जाता है? चंद्रवरम, धारणीकोट या धन्यकटक या धूलिकट कट्टा या एलोवाश्रम से? किस नाम से जाना जाएगा साथियों यहाँ पे? किस नाम से?
तो खा वाला जाएगा धरणी कोट या धरणी कटक के नाम से। लास्ट क्वेश्चन है आज का, दिलवाड़ा का बिमल शाही मंदिर निम्नलिखित में एक को समर्पित है, तो किसे समर्पित है? दिलवाड़ा का बिमल शाही मंदिर किसे समर्पित है? 150 के देखिए, तो ये आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे साथियों, ना स्कोर भी आपका बेस्ट आएगा। तो 150 में देखिए आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आदिनाथ को समर्पित है, दिलवाड़ा का बिमल शाही मंदिर। तो ये साथी आज के बेस्ट 50 क्वेश्चन आज के जो आपको यह वीडियो हमारा सुबह आपको मॉर्निंग 7 से 8 बजे के बीच में मिलता है, तो 2 दिन वीडियो आपको नहीं मिल पाया, इसलिए बहुत बहुत हमें खेद है, इसके लिए माफ़ी साथियों। तो वीडियो अब मिलेगा आपको रेगुलर, तो दीजिए इजाज़त जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके बीच, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके आप बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है 50 में से।